और कमिंग अप प्रोजेक्ट है सर? जी बिल्कुल, जान लेबू के का के बाद अभी मैं जा रहा हूँ बांदा तुलसीदास जी के गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने, जिस फिल्म का नाम है फसल। उसके बाद मैं शूटिंग कर रहा हूँ फसल के बाद एक फिल्म है सपना चौधरी जी के साथ मजनू, और मजनू की शूटिंग के बाद अभी जो आर्मी की हम लोगों ने शुरुआत की थी आर्मी फिल्म और एक और फिल्म सुजीत जो हमारे डायरेक्टर हैं सुजीत सिंह जी, उनकी दो फिल्मों की शूटिंग करनी है। और उसके बाद बारिश में इस बार मैंने प्लान किया है कि बरसात यहाँ ज़्यादा होती है शूटिंग नहीं हो पाती है, तो बारिश के समय 3 महीने मैं लंदन में रहूँगा और 3 फिल्में जो है वो मैं लंदन में कर रहा हूँ। और वहाँ से लौटने के बाद एक फिल्म है फसल, अभी जो है उसका फसल नाम नहीं, उसका नाम है सबका बाप अंगूठा छाप, जो मैं अभी जा रहा हूँ, लौटने के बाद करूँगा फसल। और फसल के बाद एक फिल्म हम लोग प्लान कर रहे हैं, बहुत ही शानदार फिल्म, हमारे जो बिहार के थे महेंद्र मिसिर जी के बारे में जो यूपी बिहार के लोग हैं वो तो जानते ही हैं, पर एक ऐसे गायक थे, एक ऐसे कलाकार थे कि उनकी गायकी के, उनके गाने के आज भी लोग दीवाने हैं और उनके गाने को गायक लोग गाते भी हैं। और गायक के साथ साथ एक क्रांतिकारी भी थे, देशभक्त भी थे, और किस तरह से उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया था, उनके ऊपर एक बायोपिक बन रही है जो हमारे रंजन सिंह जी बना रहे हैं, जिनके साथ मैंने विदेशिया किया था जो आप लोगों को बहुत पसंद आई थी। और जब भी टीवी पे आती है फिल्म और लोग देखते हैं तो इतनी सराहना करते हैं कि आज देखा, मतलब आपकी बेस्ट फिल्म लगी, तो अच्छा लगता है। फिर से हम लोगों ने, चूँकि हमारे रंजन सर बहुत व्यस्त रहते हैं टीवी में, उनको समय निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है, फिर भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि ये फिल्म तो हम लोग चाहते हैं, हमारे निर्माता जो हैं वो भी चाहते हैं, मैं भी चाहता था कि रंजन सिंह सर ही करें, तो वो जो है अभी तैयार हैं और वो हम फिल्म करने जा रहे हैं। वैसे सर देखा जाए बॉलीवुड से ज़्यादा भोजपुरी लास्ट में सर देखा जाए तो बॉलीवुड से ज़्यादा अभी भोजपुरी का ज़्यादा बैक टू बैक फिल्में आ रही है, तो इसके बारे में बताओगे? उसका कारण ये है कि हमारे दर्शक भी सबसे ज़्यादा हैं, जो भोजपुरी सिनेमा है उसके दर्शक जो है आपको सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं